अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स और ब्रदर, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी तरफ से शाबान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और रमज़ान भी आने वाला है तो इंशाल्लाह उसकी भी मुबारकबाद एडवांस ही आपको दे रही हूँ। आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत और अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये मैं ना रमज़ान के लिए कुछ लेके आई थी बच्चों के लिए, किचन की कुछ चीज़ें, और मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। क्रॉकरी का सामान है, ये मैंने जग लिया था, ये देखिए ये जग लिया था और साथ ये वाले गिलास लिए थे, और ये जो है मैं टूट दिए हैं, छोटे बेटे ने तोड़ दिए। ये मैंने सॉस के लिए, चटनी या सॉस कुछ भी रख सकते हैं ना रमज़ान में, तो ये उसके लिए मैंने रखी है। ये देखिए बहुत छोटा सा साइज़ है, और ये जो है ये भी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, इसको आप फोल्ड कर लें ड्रेन करने के लिए, सब्जियां कोई भी चीज़ थोड़ी हो तो वो जल्दी से, जैसे पकौड़े वगैरह बनाने हो तो उसके लिए जिस तरह भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस की भी कोई इशू नहीं है, मेरे हाथ में पता नहीं लग गई है। और ये लिए थे बॉल मैंने, मिक्सिंग जो बॉल होते हैं, ठीक हो गया। और ये मैंने शीशे के बॉल लिए, ये देखिए ये शीशे के बॉल है, और ये मैं लाई थी फ्रिज में रखने के लिए, लार्ज साइज़ है बास्केट, तो ये है कि चीज़ें फिर आसानी से ना इसमें निकाल लें आप दराज में रखने के लिए। ये छोटे बॉक्सेस हैं, स्टोरेज जो होते हैं ना बॉक्सेस, खाने की कोई चीज़ें बच जाए तो वो हम लोग इसमें डाल लेंगे। रमज़ान में जो भी फूड कोई थोड़ा बहुत बच जाए ना, तो ये 4 कंटेनर है छोटे छोटे, ये देखिए हर साइज़ का है, छोटे बड़े। अभी मैंने खोले नहीं है क्योंकि मैं अभी चीज़ें सारी खोल नहीं रही, क्योंकि कोई पता नहीं घर हम लोगों ने शिफ्ट करना है, तो इस वजह से मैं दिल नहीं चाह रहा ना चीज़ें खोलने के लिए, तो इस वजह से ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये आप देख लें, तो मैं खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें चॉपर है, ये पेपर वगैरह के लिए छोटा सा है, ये देखें यहाँ से खुलता है, और इसमें एक सेल डलता है, ये देखें आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं क्रश वगैरह, 3 साल की गारंटी है, और अच्छा मिल गया। ये 11 पाउंड का था, पता नहीं 12, हाँ इतने का ही था, और हैंडी है काफ़ी। एक ये था, और एक आपको मुन्नी सी चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए छोटा सा चॉपर है, ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था कि अमेज़ोन से, अब भूल गई हूँ मैं खुद ही। अच्छा बहरहाल ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये छोटा सा मुन्ना सा है, मुझे पता नहीं था कि इतने छोटे साइज़ का होगा, मैं समझ रही थी कि काफ़ी बड़ा साइज़ होगा, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए छोटा सा मुन्ना सा, ये है कि एक टाइम के लिए ना छोटी सी कोई, मतलब एक सर्विंग के लिए खाना जब बनाए थोड़ा बहुत, तो उसके लिए ये ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, पता ही है आप, देखें चॉपर है, जैसे कि गार्लिक हो गया फ्रेश, अपने आपको चाहिए वो पास्ता वगैरह में बनाने के लिए, तो उसके लिए चले ठीक है। अब वैसे साइज़ काफ़ी छोटा है, छोटा सा मुन्ना सा ये देखें, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा आसानी से। ये देखें ये तो बाकी का मैंने तोड़ देना। ये देखें काफ़ी हैंडी है, छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने बाय की हैं, और मैंने कहा चले आपको जल्दी से दिखा दूँ। कुछ मैंने ऑर्डर की हुई हैं तो वो अभी तक नहीं आई, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, तो मैंने कहा चलो अभी जो आया है जो मैंने खुद बाय की है वो आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको आज की, अच्छा ये क्या था, हाँ ये रमज़ान के लिए मैं थोड़ी सी अभी एक दो चीज़ों के लिए रखी हैं, बस ये लाइट्स थी, और क्या था, बस अभी बड़े जो बर्तन हैं वो मेरे बाहर पड़े हैं, वो तो नहीं दिखाऊंगी आपको, वो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हैं, और एक ये मंगवाया है, मंगवाया था नहीं कि मैं खुद लेके आई थी, टब लेके आई थी बड़े साइज़ का,
तो ये है कि खुला इसमें काफी कुछ बनाने के लिए ना। तो बस आई होप आपको अच्छी लगी होंगी छोटी मोटी ये चीजें। अच्छा जी, खत्म नहीं हुआ, मैं कह रही थी खत्म हो गई है। ये भी लेके आई थी मैं, ये भी उधर से लिया था, और ये एक प्लेट, एक एक प्लेट ऐसे ही मिली थी। ठीक है, ये मैंने ली थी 6, ये ली थी, अभी 3 दिखा रही हूँ आपको। और ये शीशे का बॉल लिया था मैंने, और ये इसके साथ लिया था। ये ओवन में भी आप ना इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, साथ में ये जो है ये प्लेट्स ली थी, ये भी 6 ली हैं। तो ये पूरा ऐसे सेट बनाया खुद ही, और साथ ये ली थी सीधी जो प्लेटें होती है राइस के लिए, और ये बॉल लिए थे, ये भी 6 लिए थे। 6 का जैसे ना खुद ही एक एक, क्योंकि एक एक की कीमत इधर मिलती है ना, एक एक बॉल की कीमत होती है। तो इसको बस 6 बना ले, जितने आप चाहें ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी छोटी मोटी सी ग्रोसरी, ये बहुत हैवी है, ये वाली जो प्लेट्स है ना बहुत ही हैवी है। और ओवन में भी आप लगा सकते हो, डिश वॉशर में भी लगा सकते हो, तो ये टूटती नहीं, काफ़ी मोटी हैं, अच्छी हैं। और ये जो थी ना डिस्पोजेबल, नहीं है मैंने प्लेट्स वगैरह ना, इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप, बच्चों को देने के लिए प्लेट्स रख लें, कुछ भी रख लें। तो इसके अलावा मैंने लिया था, क्या लिया था, वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये 7 की पैकिंग है, ये टॉवल वगैरह जो होते हैं, किचन टॉवल हैं जी जो होते हैं, ये क्लीनिंग के काम भी आ सकते हैं, कुछ भी रोटियां रखनी हो या वो दबाने के लिए, क्लीनिंग के लिए। और ये भी लिया था, ये बिग बैग है ये वाला, ये देखें टी टावल जो होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े साइज के हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसका साइज, ये देखिए काफ़ी बड़े साइज का, ये रोटियां वगैरह रखने के लिए, कुछ भी आप कर सकते हैं इसके साथ। और ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम के लिए चल जाएगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि आपको जो बड़े बर्तन है ना वो भी दिखा दूँ, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा चले बस यही छोटी मोटी चीज़ें जो है ना दिखा देती हूँ आपको। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।